दोस्तों आज के वीडियो में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जिनका रियल नेम हरिकिशन गोस्वामी है और जिनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद पाकिस्तान में हुआ था, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में जाने। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर तुरंत कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1957 में इनकी पहली मूवी आई फैशन। इस मूवी में दोस्तों मनोज कुमार के साथ माला सिन्हा, प्रदीप कुमार लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर इसको फ्लॉप करार दिया गया था। दोस्तों अगली मूवी 1958 में आई थी पंचायत। इस मूवी मनोज कुमार के साथ राजकुमार श्यामा और कन्हैया लाल लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर इसको फ्लॉप करार दिया गया था। दोस्तों अगली 1958 में आई थी सहारा। इस मूवी मनोज कुमार के साथ मीना कुमारी, कन्हैया लाल लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी आई थी 1959 में चांद। इस मूवी में मनोज कुमार के साथ मीना कुमारी, बलराज सहनी लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों फ्लॉप रही थी। दोस्तों अगली मूवी आई थी 1960 में हनीमून। इस मूवी में मनोज कुमार के साथ सईदा खान, विद्या चौधरी और जीवन लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी के दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर इसको एबव एवरेज करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी 1961 में आई थी सुहाग सिंदूर। इस मूवी में मनोज कुमार के साथ माला सिन्हा, बलराज सहनी लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी 1961 में ही आई थी कांच की गुड़िया। इस मूवी मनोज कुमार के साथ सईदा खान लीड रोल में देखने को मिले। दोस्तों बॉक्स ऑफिस मूवी को बदकिस्मती से फ्लॉप करार दिया गया था। दोस्तों अगली मूवी आई थी मनोज कुमार की रेशमी रूमाल इसी साल में। इसमें मनोज कुमार शकीला और कमाल कपूर लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी 1962 में आई थी हरियाली और रास्ता। इस मूवी मनोज कुमार के साथ माला सिन्हा, ओम प्रकाश और हेलन लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों हिट साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी आई थी इसी साल में डॉक्टर विद्या। इस मूवी मनोज कुमार के साथ वैजयंती माला, हेलन और मदनपुरी लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस दोस्तों एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी शादी। इस मूवी मनोज कुमार के साथ सारा बानो और धर्मेंद्र लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी बनारसी ठग। इसमें मनोज कुमार के साथ विद्या चौधरी लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी माँ बेटा। इस मूवी मनोज कुमार के साथ अमिता, विजय दत्त और निरूपा राय लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली मूवी इसी साल में आई थी पिया मिलन की आस। इस मूवी मनोज कुमार के साथ अमिता और जीवन लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी नकली नवाब। इस मूवी मनोज कुमार के साथ शकीला और अशोक कुमार लीड रोल में देखने को मिले। बदकिस्मती से मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दोस्तों अगली मूवी 1963 में आई थी अपना बना के देखो। इस मूवी मनोज कुमार के साथ आशा पारेख लीड रोल में देखने को मिले। बदकिस्मती से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी घर बसा के देखो। इसमें मनोज कुमार के साथ श्यामा और जॉनी वॉकर लीड रोल में देखने को मिले। बदकिस्मती से इस मूवी को ही बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी 1963 ही में ही आई थी गृहस्थी। इस मनोज कुमार के साथ अशोक कुमार, राजश्री और निरूपा राय लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एबव एवरेज करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी 1964 में आई थी अपने हुए पराये। इस मूवी मनोज कुमार के साथ माला सिन्हा लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। दोस्तों अगली मनोज कुमार की आई थी इसी साल में वो कौन थी। इस मूवी मनोज कुमार के साथ साधना लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो दोस्तों मूवी बॉक्स ऑफिस को हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगली मूवी आई थी इसी साल में फूलों की सेज। इस मूवी मनोज कुमार के साथ वैजयंती माला और अशोक कुमार लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस दोस्तों एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी आई थी 1965 में शहीद। ये देशभक्ति पर बनी पहली मनोज कुमार की सबसे अच्छी मूवी थी। इस मनोज कुमार के साथ कामनी कौशल, प्रेम चोपड़ा, प्राण लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी आई थी इसी साल में बेदाग। इसमें मनोज कुमार के साथ नंदा और शशिकला लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो दोस्तों मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया था। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी हिमालय की गोद में। इसमें मनोज कुमार के साथ माला सिन्हा, शशिकला लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों मनोज कुमार की अगली मूवी आई थी इसी साल में गुमनाम। ये एक हॉरर मूवी थी। इसमें मनोज कुमार के साथ नंदा, हेलन, प्राण,
महमूद लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी आई थी इसी साल में पूनम की रात। इस मूवी में मनोज कुमार के साथ नंदिनी प्रेम चोपड़ा और प्राण प्रेमनाथ लीड रोल में देखने को मिले। बदकिस्मती इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी 1966 में आई थी दो बदन। ये मनोज कुमार की बहुत अच्छी मूवी थी, इसके गाने आज भी चलते हैं। इसमें मनोज कुमार साशा पारिक सिमी ग्रेवाल और प्राण लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी 1966 में आई थी सावन की घटा। इसमें मनोज कुमार के साथ शर्मिला टैगोर और प्राण लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी पिकनिक। इसमें मनोज कुमार साथ अजरा और कल्पना लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बदकिस्मती से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी 1967 में आई थी पत्थर के सनम। इस मूवी में दो प्रेमिकों के बीच में एक प्रेमी की कहानी को दिखाया गया। इसमें मनोज कुमार के साथ वहीदा रहमान, मुमताज और प्राण लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी मनोज कुमार की इसी साल में आई थी उपकार। ये भी देशभक्ति पर बनी एक बहुत मनोज कुमार की अच्छी मूवी थी। इसने कई अवार्ड जीते। इस मनोज कुमार के साथ आशा परी, प्रेम चोपड़ा, प्राण लीड रोल देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। दोस्तों अगली 1968 में आई थी नील कमल। इसमें पुनर्जन्म की कहानी को दिखाया गया। इसमें मनोज कुमार के साथ वहीदा रहमान, राजकुमार बलराज सानी लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों सुपर हिट करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी मनोज कुमार की आई थी आदमी 1968 में। इसमें मनोज कुमार के साथ दिलीप कुमार, वहीदा रहमान लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी 1969 में आई थी साजन। इसमें मनोज कुमार के साथ आशा पारिक, मदनपुरी लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। दोस्तों अगली मूवी मनोज कुमार की थी 1970 में पूरब और पश्चिम। यह भी बहुत अच्छी मूवी, उसके गाने आज भी सुनने को मिलते हैं। इसमें मनोज कुमार, सायरा बानो, मदनपुरी, अशोक कुमार लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। दोस्तों अगली 1970 में आई थी यादगार। इसमें मनोज कुमार के साथ नूतन, प्रेम चोपड़ा, प्राण लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज साबित हुई। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी पहचान। इस मूवी मनोज कुमार से बबीता बलराज सानी लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर की फिल्में दी है। 1971 में इनकी मूवी आई थी दोस्तों बलिदान। इसमें मनोज कुमार के साथ सायरा बानो और देव कुमार लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी एवरेज रही थी और इस मूवी ने 1 करोड़ की कमाई की। दोस्तों अगली मूवी इनकी आई थी 1972 में शोर। इसमें मनोज कुमार के साथ जया भादुरी और नंदा लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी ब्लो एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी दोस्तों आई थी इनकी 1972 में बेईमान। इसमें मनोज कुमार के साथ राखी, प्रेमनाथ, प्राण, प्रेम चोपड़ा लीड रोल में देखने को मिले थे। इस मूवी की बात करें तो ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। इस मूवी ने 2 करोड़ 25 लाख की कमाई की। दोस्तों अगली मूवी दोस्तों आई थी इनकी 1974 में रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें मनोज कुमार साथ अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी और प्रेमनाथ लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस मूवी ने 5 करोड़ 25 लाख की कमाई की। दोस्तों अगली मूवी दोस्तों आई थी 1975 में सन्यासी। इस मूवी मनोज कुमार के साथ हेमा मालिनी, प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिका में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों मनोज कुमार की अगली मूवी आई थी 1976 में दस नंबरी। इसमें मनोज कुमार के साथ हेमा मालिनी, प्राण, प्रेमनाथ और बिंदु मुख्य भूमिका में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस मूवी ने 4 करोड़ 50 लाख की कमाई की। दोस्तों अगली मूवी दोस्तों आई थी 1977 में शिरडी के साई बाबा। इसमें मनोज कुमार के साथ राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। दोस्तों मनोज कुमार की अगली मूवी आई थी 1977 में अमानत। इसमें मनोज कुमार के साथ साधना, बलराज सानी लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी को बॉक्स ऑफिस दोस्तों बदकिस्मती फ्लॉप करार दिया गया। दोस्तों मनोज कुमार की अगली मूवी 1981 में आई थी क्रांति, एक मल्टी स्टार देशभक्ति मूवी थी। इस मूवी में मनोज कुमार के साथ दिलीप कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बाबी लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। इस मूवी ने दोस्तों 10 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों अगली मूवी 1987 में आई थी कलयुग और रामायण। इसमें मनोज कुमार के साथ माधवी, प्रेम चोपड़ा लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया था। दोस्तों मनोज कुमार की अगली मूवी 1989 में आई थी संतोष। इस मूवी में मनोज कुमार के साथ राखी, निरूपा राय, प्रेम चोपड़ा लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की, मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दोस्तों मनोज कुमार की अगली मूवी 1989 में आई थी क्लर्क। इसमें मनोज कुमार साथ शशि कपूर, रेखा, अशोक कुमार मुख्य भूमिका में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बदकिस्मती से फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों मनोज कुमार की अगली मूवी 1991 में आई थी देशवासी। इसमें मनोज कुमार साथ ऋषि कपूर, रवीना टंडन, अमरीश पुरी, प्राण,
अनुपम खेर लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी को बॉक्स ऑफिस बदकिस्मती से फ्लॉप करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी आई थी 1995 में मैदान जंग। इसमें मनोज कुमार साथ धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर मुख्य भूमिका में देखने को मिले। बात करें मूवी की बॉक्स ऑफिस में से मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी 1999 में आई थी जय हिंद। इसमें मनोज कुमार साथ ऋषि कपूर, मनीषा कोयराला लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। थैंक्स फॉर फुल वीडियो।